ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही है। नो सर। अब देखें। जी सर, हो गई है। ये वेब डेवलपमेंट की क्लास हो रही है? जी जी वेब डेवलपमेंट की है। तो सर इमरान से भी नहीं पढ़ाते? तो नहीं सर, नहीं आया आज। आज मैंने क्लास लेनी है। अच्छा, आज के लिए आपने लेनी है? जी जी ठीक है।
अच्छा स्टार्ट करते हैं आज जो है आप हमने करना है डिलीट की एपीआई हमें ली ठीक है। कल सर ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको गेट और पोस्ट करवा दिया ठीक है, तो वो हो गया था घर जाके प्रैक्टिस की थी, गेट पोस्ट हो गया था डाटा हो गया। आपका इशू आ रहा है और किसी का? आपका इशू आ रहा है, चलो आपको क्लास के बाद देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अब हमने क्या करना है अभी तक सो सिर्फ ये है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना डिलीट के ऊपर, तो सिर्फ हमें एक अलर्ट आ रहा है आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली का, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ उसके ऊपर एक सिंपल अलर्ट लगाया गया। अब हमें क्या करना है कि उसकी डिलीट की एपीआई लिखनी है कि जिससे एपीआई के थ्रू हमारा बैकएंड से भी डाटा डिलीट हो, और वो हम करेंगे कहाँ से? फ्रंट एंड के थ्रू, लेकिन उसको टेस्ट हम पहले करेंगे पोस्टमैन के ऊपर ठीक है। तो बैकएंड के ऊपर चलते हैं पहले, ये हमारी जो है सर्वर जेएस की फाइल, यहाँ पे आके हम एक बनाते हैं। अब हमारा जो मॉडल बना हुआ है इसके अंदर वो सबको पता है कि यूजर के नाम से सर ने बनाया हुआ, तो हमें क्या करना है पहले तो हमें सबसे पहले वो उस चीज का नाम लिखना है जिसमें हमने एक्सप्रेस से जो चीज निकाली हुई है ऐप ठीक है। इसमें हमें चार मेथड मिलते हैं डिलीट पुट पोस्ट और कौन सा अपडेट। इसमें आ जाएगा हमारे पास ऐप डॉट डिलीट, पहले हमने क्या किया था गेट और पोस्ट, अब हम क्या करेंगे ऐप डॉट डिलीट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे वो पैरामीटर पास करना होता है, वो पाथ देना होता है जिसको हिट करने पे हमारी ये एपीआई क्या होगी रन होगी। यहाँ पे सर ने क्या पाथ दिया था जिस जब सर ने पोस्ट किया होगा गेट यूजर, इसका क्या मतलब था कि हम यहाँ पे यूजर को गेट कर रहे हैं और पोस्ट में हम क्या कर रहे हैं रजिस्टर करवा रहे हैं। पोस्ट का ये मतलब है कोई ना कोई चीज हम डीबी के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया गेट यूजर। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने एक हमारी ऑलरेडी एक चीज पड़ी हुई है डीबी के अंदर, अब हमने उसको वहां से डिलीट करना है। एक तरीका तो होता है सीधी तरह डीबी खोले और वहां से जाकर डायरेक्टली डिलीट कर, लेकिन ये तरीका हमने यूज नहीं करना, हमने फ्रंट एंड के थ्रू क्या करना है उसको डिलीट करना। तो यहाँ पे वो पाथ आएगा, वो पाथ आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मत दें कि आप अपना नाम रख दें यहाँ पे ठीक है। मतलब जिस तरह सर ने रीजनेबल यहाँ पे रखा हुआ गेट यूजर रजिस्टर, इस तरह का कोई भी पाथ दे दें। तो यहाँ पे हम देते हैं इसको, हम क्या करने लगे हैं डिलीट यूजर ठीक है। अब डिलीट यूजर तो हमने कर दिया, अब यहाँ पे इसके साथ हमें एक और चीज पास करनी पड़ती है आईडी ठीक है। अब डिलीट यूजर उसको किस तरह, अब हमारे यूजर आप खुद सोचें एक से ज्यादा भी यूजर हो सकते हैं। अगर हम ये देखें मोंगोडीबी के अंदर जाएं यहाँ पे, तो मेरे पास एक से ज्यादा यूजर है, तो हम एपीआई में उसको किस तरह बताएंगे कि हमने किस यूजर को डिलीट करना है ठीक है। या तो हमने डिलीट ऑल करना हो ना, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल पाथ लिख के डिलीट ऑल का मेथड लगाएं तो सारा डिलीट हो जाए, लेकिन अभी हमने क्या करना है यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आईडी को डिलीट करना है ठीक है। तो यहाँ पे बैक स्लैश के बाद सेमी कोलन के बाद हमें लिखना पड़ता है आईडी ठीक है। मतलब ये पाथ तो हमने उसको देना ही देना है, साथ में उसको हमने क्या प्रोवाइड करनी है उसकी आईडी भी प्रोवाइड करनी है जिस आईडी को हमने डिलीट करना है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आई है कि हमने साथ उसको ये भी बता देना है कि हमने कौन सी आईडी को डिलीट कर ठीक है सेमी कोलन के बाद। उसके बाद वही हमारे पास कल वाला ही आ जाएगा, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। एरो फंक्शन आ जाएगा, अब पहले तो उसे बताएंगे हम आईडी लेने कहाँ से वाले हैं ठीक है। मतलब आईडी हमने उसको प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे प्रोवाइड करनी है हमने उसको, पैरम्स में ठीक है। पैरम्स का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, फ्रंट एंड में करवाया हो सर ने ठीक है। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ आईडी इज इक्वल्स टू
कहाँ से मुझे चाहिए? रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, मतलब जो भी पेरेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट आएगी मुझे वो वाली आईडी चाहिए, और वहां भी ऑब्वियसली फ्रंट एंड से हम ही उसको बताएंगे कि हमने कौन सी आईडी उसको पास करनी। ठीक है, तो ये हमें मेथड इसके अंदर मिल जाता है रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। अब पहले तो हमें चेक करना है कि ये आईडी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं एग्जिस्ट करती मोंगोडीबी के अंदर, ऐसे तो नहीं ना उसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो आईडी पहले से पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे const check is equals to, अच्छा इसको async await भी बना लेते हैं। async await का पता है ना, const check is equals to await, क्या करो हमारे पास वो आ जाएगा मॉडल जो हमने बनाया हुआ, यूजर मॉडल यूजर डॉट फाइंड बाय क्या करो आईडी करो। ठीक है, यूजर के अंदर जाओ और फाइंड बाय क्या करो आईडी करो। फाइंड बाय आईडी मेरा ख्याल इससे पहले नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने। ओके, आईडी को फाइंड करने का हमारे पास कल हमने यहाँ पे क्या सर ने मेथड यूज करवाया होगा आपको यूजर के साथ, कुछ भी नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आ रहा था न्यू का आप सर ने यूज किया था, तो क्या हुआ था वहां पे ऑटोमेटिक उसने न्यू क्रिएट कर दिया था एक यूजर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मोंगोडीबी के अंदर से कोई ना कोई चीज हमने फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हमें मेथड मिल जाता है यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी के बाद हमें उसे क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सी आईडी आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कौन सी आईडी फाइंड करवा रहे हैं हम, जो आईडी हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स में उसको दी है, तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे उसको आईडी। ये लाइन क्लियर है, हमने क्या किया उस मॉडल के अंदर गए और हमने फाइंड बाय क्या किया आईडी, और उसके अंदर हमने क्या पास कर दी आईडी, कौन सी आईडी जो हमने रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी में निकाली थी। ठीक है, तो अब हम उसे कहते हैं इफ एल्स, तो हमने पढ़ा इफ अगर तो चेक है तो क्या करो, अगर नोट चेक है सॉरी, इफ अगर उसको आईडी नहीं मिलती तो क्या करो रिटर्न करवा दो मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड की जगह शायद आपको संडे जेसन भी करवाया हो यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट सेंड आ सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है उसको एक मैसेज देना होता है कि अगर उसको आईडी ना मिले तो क्या मैसेज दो। ठीक, कल मैसेज वाला करवाया सर ने, मैसेज वैसे ही आ गया था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, चलिए भी सुन लें कि अगर तो हमने पहले तो चेक किया कि वो जो आईडी हम डिलीट करने जा रहे हैं वो मोंगोडीबी के अंदर एग्जिस्ट भी कर दिया कि नहीं करती, तो यहाँ पे इस लाइन में तो हमने वो क्या कर लिया चेक कर लिया, और इस लाइन का जो रिजल्ट था वो किसके अंदर सेव हुआ चेक के अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया इफ नॉट चेक, अगर उसको आईडी नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ उसको रिस्पॉन्स भी भेजना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमें पहले रिटर्न करवाना होता है, रिटर्न का हमें ये फायदा हो जाता है कि अगर हमारा कोई ना कोई एरर भी है ना तो हमारी डीपी जो है वो क्रैश नहीं करती। तो इफ नॉट चेक तो रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हमारे पास अपनी मर्जी से हमने कोई भी मैसेज उसको दे देना होता है मैसेज के साथ। ठीक है, अगर तो आप कोई ना कोई एरर थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एरर भी लिख सकते हैं, तो अगर कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। तो मैसेज के बाद हमें जो भी मैसेज लिखना है उसको डबल कोटेशंस में लिखना है हमने, लाइक अगर मुझे आईडी नहीं मिलती तो मैं उसे क्या कह देता हूँ यूजर नॉट फाउंड। अगर कोई ना कोई आईडी नहीं मिल रही तो हमने उसे क्या कह दिया यूजर नॉट फाउंड, और एल्स अगर दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन होगी मिल जाएगी,
दो ही चीजें होगी, या नहीं मिलेगी या मिल जाएगी। तो पहले हमने चेक कर लिया उसको आईडी, अगर नहीं मिलती तो हमने उसको क्या रिस्पॉन्स सेंड करना। और सेकंड एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मिल जाएगी तो क्या करना है, एल्स क्या करेंगे हम यहाँ पे अवेट करवा देते पहले, और उसके बाद हम उसे कहते हैं यूजर डॉट, जो हमारा यूजर था उसके अंदर से क्या करो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, उस आईडी को फाइंड करो और क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये भी हमें क्या मिलता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट MongoDB का एक मेथड मिल जाता है ये, ठीक है। पहले ऊपर हमने क्या किया, ये काम वैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, जहाँ पे हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे करने का एक नुकसान था कि अगर हमें वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती MongoDB में, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एरर आएगा। तो वो एरर पकड़ने के लिए फिर हमें समझ नहीं आएगी कि एरर किस चीज का आ रहा है। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, ऊपर वाली लाइन में उसको चेक किया कि वो आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, अगर करती है तो क्या करे, नहीं करती तो क्या करते। तो हमने देख लिया अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हमने उसको क्या मैसेज दे दिया, यूजर नॉट फाउंड का, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करो, उसको डिलीट कर दो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। सिंपल, वही कौन सी आईडी डिलीट करनी है, जो आईडी हमने ऊपर निकाली थी, ये वाली, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का मेथड लगाया और उसके अंदर हमने आईडी पास कर दी कि इस आईडी को हमने डिलीट करना है, और उसके बाद अगर हो जाता है डिलीट तो क्या करो, रिटर्न करवाओ रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो एक मैसेज के साथ। फिर से एक मैसेज लिख देते हैं हम, यूजर डिलीटेड, यहां तक लगी समझ। क्या किया हमने, शुरू से देखते हैं, आईडी निकाली पैरम्स के अंदर से, ठीक है, और पहले तो हमने चेक किया फाइंड बाय आईडी के थ्रू कि वो आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती MongoDB के अंदर। देन हमने क्या किया, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स भेजा, यूजर नॉट फाउंड, और अगर एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या किया, यूजर डॉट मेथड लगाया फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और उसके अंदर हमने क्या पास की, वो वाली आईडी जो हमने यहाँ से निकाली थी, एट दी एंड चाहिए तो हमें यही वाली आईडी, क्योंकि ये वाली आईडी हम उसे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और देन हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर डिलीट हो जाए उसके बाद क्या मैसेज भेज दो उसको, यूजर डिलीटेड। तो अब इसको पोस्टमैन के ऊपर चेक करते हैं कि हमारी जो है वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पे हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, डिलीट का, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आईडी को डिलीट, और यहाँ पे वो वाला पाथ जो हमने सेट किया था, कौन सा वाला, जो मैंने शुरू में बताया था डिलीट यूजर वाला, क्योंकि उसी पाथ को हिट करने से हमारी आईडी जो है वो API रन करेगी, ये वाली, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से इसका ये कॉपी कर लेते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। हमारी जो है सर्वर किस पे चल रहा है इस टाइम, 5000 पे, तो यहाँ पे 3000 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 5000, और हमने क्या API में पाथ बनाया था, डिलीट यूजर। ठीक है, यहां तक ओके। अब हमने क्या करना है, इसके आगे एक और चीज भी दी है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, इसके आगे मैंने क्या दिया हुआ है, उसको आईडी भी दी हुई है, ठीक है। अब पोस्टमैन में हमने यहां तक तो लिख दिया डिलीट यूजर, अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो वह एरर दे देगा, कहेगा कौन सी आईडी,
मुझे नहीं पता आप किस आईडी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें उस आईडी को भी साथ बताना है कि जिस आईडी को हमने डिलीट करना है। तो हम MongoDB में चलते हैं, तो कोई ना कोई वहां से एक आईडी उठा लेते हैं, लाइक जुनेद की है यहाँ से, ये आईडी है जुनेद की ऑब्जेक्ट आईडी, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आईडी आ गई हमारे पास। अब इसको चला के देखते हैं, यूजर डिलीटेड, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको आईडी मिली। ठीक है, अब मैं दोबारा इस आईडी को चलाता हूं, अब क्या आया, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि डिलीट हो गया, उसको क्या हुआ, MongoDB में आईडी नहीं मिली। ये कौन सी वाली कंडीशन चली, अब जो हमने पहले चेक की थी, जिसमें हम चेक कर रहे थे क्या वो आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती। पहले जो एग्जिस्ट करती थी उसने क्या किया, दूसरी वाली कंडीशन चला दी जिसमें उसको आईडी मिल गई, उसने फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का मेथड लगाया और आईडी जो हमने उसको दी वो क्या की, उसने डिलीट कर दी। देन दोबारा हमने उस API को चलाया, अब उसको डिलीट हो चुकी है, अब उसको MongoDB में वो आईडी नहीं मिली। ठीक है, तो अब उसने क्या मैसेज दिया हमें, दूसरी वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन जो हमने लगाई थी, यूजर नॉट फाउंड। तो अब हम जाके देखें वहां पे फ्रंट एंड के ऊपर जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से जुनेद भी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो जुनेद हमने किया था, देखें जुनेद भी यहाँ से क्या हुआ, डिलीट हो गया यहाँ से। यहां तक किसी को कोई मसला? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी, लगी ना आपको पीछे, अब हमने क्या करना है, इसको फ्रंट एंड से डिलीट करना है। ऑब्वियसली पोस्टमैन से तो नहीं करेंगे हमने इसको, क्या कहाँ से करना है, पोस्टमैन तो सिर्फ हम इतना चेक करते हैं कि हमने जो API लिखी है वो हमारी चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी API जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। तो अब हमें इसको क्या करना है, फ्रंट एंड से डिलीट करवाना है। तो फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड आ गया और इसके अंदर हमारे पास यूजर लिस्ट आ गई। अब हमें सर ने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिलीट का बटन बनाया हुआ है। ठीक है, तो बटन बनाना तो आई थिंक किसी को भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं आता होगा, यहाँ पे इजी काम है बटन बनाना। ऑन क्लिक का भी सबको पता होगा, ऑन क्लिक करें तो हमें उसके ऊपर क्या करना होता है, फंक्शन चलाना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजर लिस्ट के ऊपर क्या लगाया हुआ सर ने, मैप लगाया हुआ, और यूजर लिस्ट के अंदर हमारे पास सब कुछ आ रहा होगा जो कुछ हमारा क्या होगा, MongoDB के अंदर स्टोर है। ठीक है, गेट कर रहे हैं ना वहां से हम। ठीक है, जब हम गेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें उसकी आईडी भी मिल रही होगी। ठीक है, उसकी बाकी ईमेल रजिस्टर वगैरह, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट, सब कुछ मिल रहा होता है हमें। ठीक है, लेकिन आईडी हमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ती UI के ऊपर शो करवाने की, इसलिए हमने आईडी शो नहीं करवाई होती है। तो अगर मैं पासवर्ड की जगह यहाँ पे लिखूं, पासवर्ड, पासवर्ड शो करवाया सर ने नहीं, अब मेरे पास क्या हो गया, ईमेल के अंदर क्या आ गया, सबकी आईडीज आ गई। मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई, हमारे लिए इजी हो गया, हमें आईडी मिल गई, क्योंकि हमें आईडी चाहिए उस पर्सन की जिसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो आईडी तो हमारे पास आ रही है फ्रंट एंड पे। हमने अभी क्या किया था डिलीट करने के लिए, डायरेक्टली MongoDB के अंदर से जाके आईडी, लेकिन अब हमें फ्रंट एंड पे तो उसकी आईडी मिल रही है। वो अलग बात है कि हमने शो नहीं करवाई हुई थी, लेकिन आईडी हमें मिल रही है। और आईडी कौन सी वाली आईडी है, ये अंडरस्कोर वाली आईडी है। ठीक है, अगर हम MongoDB में जाएं तो ये आईडी किस नाम से यहाँ पे स्टोर होगी, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये देखें, इसके पहले ये अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अंडरस्कोर आईडी लगाया, मेरे पास क्या हुआ, ईमेल के अंदर ईमेल को उसने रिप्लेस कर दिया आईडी के थ्रू। अब ये सबकी आईडीज आ रही है मेरे पास। अगर हम देखें ना, इकराम है ना,
इकराम के एंड पे आ रहा है 1E30। तो अगर हम इसको MongoDB में भी जाके चेक कर लें तो ये देखें 1E30। तो हर एक पर्सन की उसने आईडी दे दी। अब हमें आईडी तो चाहिए थी उसकी डिलीट करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे क्या बताया था कि जो आईडी हम उसको दें उस आईडी को क्या करो, डिलीट कर दो। तो 50% काम तो हमारा यहीं पे हो गया क्योंकि हमें उसकी आईडी गेट हो गई। अब देखते हैं आईडी के थ्रू इसको डिलीट कैसे करना है। इसको फिलहाल ईमेल ही कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमने क्या बनाया था, डिलीट का बटन बनाया था और वो ये है हमारे पास, ठीक है, डिलीट यूजर। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ इसके ऊपर सिंपल एक अलर्ट आ रहा था। अगर देखें तो इसके ऊपर सर ने अलर्ट लगाया होगा, ये देखते हैं सिंपल, जो क्या हो रहा था, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास अलर्ट आ जाता था। लेकिन अब अलर्ट के साथ साथ हमने उसको डिलीट भी करा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना के आईडी को एज अ पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा। पैरामीटर पास करना आता है? नहीं, चलिए देखते हैं। ये वाला फंक्शन तो बनाना आता है ना, ये वाला एरो फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन बना के अब हमने क्या करना है, डिलीट यूजर। फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का। उससे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट्स और एरो फंक्शन बना के मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया, डिलीट यूजर। जी क्वेश्चन है किसी का ऑनलाइन स्टूडेंट? सर जी, ये लॉजिक हम पहले वाले फंक्शन जहाँ पे लेट लगाया हुआ। हेलो जी, जी सर जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप डिलीट वाला मेथड लिख रहे हैं, जो लॉजिक लिख रहे हैं, ये हम जो पहले वाला अलर्ट जिधर लिखा हुआ उसके अंदर नहीं लिख सकते ये लॉजिक? उसके अंदर ही लिखेंगे हम, अभी तो सिर्फ डिलीट यूजर का वो बता रहे हैं ना हम उसको यहाँ पे फंक्शन। देखें डिलीट यूजर, ठीक होगा सर, तो पास करनी है ना, आईडी कहाँ से पास करेंगे, आईडी तो हमारे पास मैप में मिल रही है हमें। जी जी ठीक होगा सर। अब डिलीट यूजर के अंदर आगे इतना तो हमें, अगर सिंपल फंक्शन बनाना हो तो यहाँ तक भी हमारा, बल्कि इवन इस चीज की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सिंपल डिलीट यूजर लिख के हम क्या करते हैं, ऊपर जाके उसका फंक्शन बना लेते हैं, अर्ली माइक बंद करते हैं। तो डिलीट यूजर जैसे ही मैंने लिखा, अब इसके आगे मुझे ये भी बताना है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर आईडी भेजनी है उसको, ठीक है, एज अ पैरामीटर में क्या भेजनी है, उसकी आईडी। अब हर एक पर्सन जो वहां पे यूजर है उसके आगे डिलीट का बटन है, ठीक है। तो मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूंगा उसकी क्या मिल जाएगी, मुझे आईडी मिल जाएगी। तो ये, और वो आईडी कैसे मिलेगी, वो खुद ब खुद नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे हम उसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैप के अंदर सारी चीजें किसके अंदर निकाली थी हमने, सर ने, यू के अंदर, ठीक है। तो हमें आईडी भी किसके अंदर मिल रही है, यू के अंदर। तो यहाँ पे डिलीट यूजर के अंदर हम उसके साथ क्या भेज देंगे, यू डॉट अंडरस्कोर आईडी, बस सिंपल। यहाँ पे हमारे पास इतना ही काम है, ठीक है, कि हमने एक फंक्शन बनाया एरो फंक्शन और उसके अंदर हमने एज अ पैरामीटर क्या पास कर दी, आईडी, क्योंकि हम आईडी डिलीट करने वाले। यहाँ तक काम हमारा इतना ही है कि हमने मैप से आईडी निकाली और एक फंक्शन बना के बटन के ऊपर डिलीट यूजर और उसके अंदर हमने आईडी को क्या किया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया। या इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएं, इस वाली लाइन पैरामीटर पास किया जो उसमें आप कह रहे थे ना मसला है। अब क्या होगा, मैं जिस भी यहाँ पे डिलीट यूजर सर ने किस नाम से बनाया हूं, अब यहाँ पे ऊपर हमने फंक्शन बनाया था डिलीट यूजर का, ठीक है, ये वाला नीचे जो हमने फंक्शन बनाया डिलीट यूजर का, अब हमने ऊपर उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन लिखना है और वो फंक्शन हमने क्या लिखना है, इसका डिलीट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो नीचे आईडी पास की थी वो यहाँ पे हमने क्या कर ली, ऊपर गेट कर ली पैरामीटर में,
इस चीज में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, ये जो मैंने आईडी पास की है किसको मसला है इस चीज, ये कौन सी वाली आईडी है जो उसको नीचे मैंने पास की है, और यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने क्या किया, उस आईडी को गेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको करवाना चाहिए कंसोल डॉट आईडी, अगर हम करवाएं तो जैसे ही मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया मुझे क्या हुआ, आईडी मिल गई उसकी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का पता है ना, कंसोल डॉट लॉग में सिंपल मैंने क्या किया, वो आईडी पास कर दी जो मैंने नीचे एज अ पैरामीटर पास की थी। अब देखिए मैं जिस भी पर्सन के आगे या जिस भी यूजर के आगे क्लिक करूंगा सिर्फ उसी की आईडी मिलेगी मुझे। ये देखिए मैं नीचे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी आईडी मिल रही है, एक आईडी नहीं मिल रही मुझे, डिफरेंट आईडी, जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं उसकी आईडी मुझे मिल रही है। ठीक है, अब 50% से 70% 80% तो तकरीबन हमारा काम हो गया, मतलब डिलीट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो आईडी हमारे पास आ रही है। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वो डिलीट का जो हमने एपीआई लिखी थी वो लगानी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आईडी मेन चीज हमें चाहिए थी, तो हमें क्या हुआ, क्लिक करने पे वो आईडी गेट हो गई। किसकी आईडी, उसी पर्सन की जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट और रिजल्ट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू फेच, फेच के थ्रू करवाया था सर ने। ठीक है, तो फेच में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे वो पाथ जो हमने जिस पाथ पीछे बनाया है, तो ये पाथ हम यहाँ पोस्टमैन से ही कॉपी कर लेते हैं, ये हमने था। और जो भी उसे रिजल्ट आ रहा है हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको हमें। इसको असिंक का वेट भी बना लें पहले हम, इसको भी असिंक करवा लें, और अगर इसको वेट में भी इसको करवा लें वेट। ठीक है, तो उसे क्या करो, जो भी रिजल्ट मिले हमें उसको क्या करो, रिजल्ट को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दो। एक्सजीएस का मेथड पढ़ा है, एक्सजीएस में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स जेसन में मिलता है, लेकिन उसको हमें वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। फैच में हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे बताना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दी है, ये देख लें, हमें उसको यहाँ पे इस जहाँ पे ये खत्म हो रही है ब्रैकेट, उसके बाद हमें उसको मेथड भी बताना पड़ता है। ठीक है, कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उसे क्या बताऊंगा, मेथड, कौन सा मेथड, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिलीट, तो हम यहाँ पे उसको मेथड भी बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। तो मैंने रिजल्ट को क्या किया, जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं अगर सीएलजी करें सिर्फ हम रिजल्ट को, तो हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिलता है, सर जी एक क्वेश्चन है जी, सर जी, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक अच्छा देखें इसको कन्वर्ट इसलिए करते हैं हम क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो जेसन के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो वो हम उसको बताना पड़ता है हमें। आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी, आप आवाज सर आपका नेट नहीं ठीक चल रहा, अपना नेट थोड़ा सा ठीक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो जी सर, अब आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, पूछें। जी सर, वही पूछा था सब्जी, बस वो जैसन वाला ही। मैंने आपको बताया है कि हमें इसको जेसन में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमें उसे बताना पड़ता है कि जो भी हम डिलीट करने वाले हैं वो हमें जेसन में नहीं मिल रहा होता। ठीक है, वो उसको वो कौन सा चीज समझता है, वो जेसन में जो भी उसके पास ठीक हो गया सर जी, ठीक। ठीक हो गया। ओके। अगर हमें क्या मिले, रिजल्ट मिल जाए, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, वही इफ एल्स वाला मेथड। ठीक है, अगर तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तो क्या करो, उसको यहाँ पे रिजल्ट अगर हमें मिल जाए तो उसे क्या करो, डिलीट कर दो। ओके, अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, या ओके की जगह हम इसे कहते हैं डिलीटेड। एल्स क्या करते हैं, हम उसको अलर्ट लगा देते हैं एरर का। ठीक तो ये आईडी आई थिंक है ही नहीं उसके अंदर, ये हमने डिलीट कर दी थी ना। ठीक अच्छा, कॉमर्स में आपने दो, अच्छा किया इन्होंने करेक्शन कर दी। कॉमर्स में आप दो नाम क्या होते हैं सेम नहीं रख सकते, ठीक है, उसमें हमें लेट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो उसने क्या किया, डिलीटेड आ गया हमारे पास। अब डिलीट तो वो ही चीज हुई होगी जो हमने उसको आईडी वहां पे पास कर दी थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें काम इस तरह से नहीं करना। ये तो सिर्फ वही वाली आईडी होगी जो हमने इसको यहाँ पे दी थी, जुनेद की आईडी दी थी, तो अब क्या हुआ होगा, जुनेद की आईडी डिलीट हो गई होगी यहाँ से। अगर हम यहाँ पे देखें तो MongoDB के अंदर हम चलते हैं, तो यहाँ से जुनेद की पास की थी उसको। तो मेरे ख्याल MongoDB को रिफ्रेश नहीं हुई। अच्छा, वो उसकी क्या हुई, आईडी डिलीट हो गई है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि सिर्फ वो आईडी डिलीट करनी है जो आईडी हमें क्लिक करने के ऊपर मिल गया। अभी तो हमने उसको एक स्टैटिक टाइप जो है आईडी दे दी, लेकिन हमें उसको क्या करना, आईडी को डायनामिकली पास करना। तो यहाँ पे वापस चलते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, तो जहां पे हमने आईडी दी है ना, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, किसमें हमें आईडीज मिल रही थी, इसके अंदर, इसी के अंदर आईडीज मिल रही थी क्लिक करने के ऊपर। ये देखें, जब मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया था तो आईडी हमारे पास किसमें आ रही थी, जो हमने यहाँ पे
पैरामीटर पास किया था, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को पास कर देंगे, लेकिन उस आईडी को पास करने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स में हम नहीं देते, ठीक है। वहां पे हमारे पास यूज होता है टैब से ऊपर, अगर आप देखें एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एक आपको मिलेगा साइन इस तरह का, ठीक है, इस तरह आप देंगे, और यहाँ पे आके डॉलर का साइन लगाना पड़ता है हमें और कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको ये वाली आईडी दे देंगे हम, ठीक है। मैंने क्या किया, इतना पाथ तो हमारा क्या था, सेम था। अगर हम चलें बैकएंड के ऊपर तो इतना पाथ हमारा क्या है, सेम है। उसके बाद हमने उसको क्या की, आईडी प्रोवाइड की। फ्रंट एंड से हमने आईडी कहाँ से ली, नीचे से हमने ऐसा पैरामीटर पास किया और ऊपर फंक्शन में हमने उसको क्या किया, गेट कर लिया, और गेट करने के बाद हमने उसको क्या किया, यहाँ पे आईडी पास कर ली। तो अब क्या होगा, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे क्या होगा, वो आईडी डिलीट हो जाएगी। करके देखते हैं जाके, ये इकराम है, इकराम के ऊपर क्लिक करते हैं डिलीटेड, और रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, इकराम क्या हो गया हमारे पास, डिलीट हो गया। अब हमने क्या किया, स्टैटिक आईडी की जगह उसको रिप्लेस कर दिया डायनामिक आईडी से। अब हम चाहते हैं कि यार मैं जब भी ये डिलीट कर रहा हूँ ना, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है उस पेज को, वो ऑटोमेटिकली मुझे जितना डाटा बाकी बचता है वो क्या करो, दिखा दो। तो डाटा कहाँ से हमारा गेट हो रहा है, गेट कर रहे हैं ना हम, तो हम उस फंक्शन को एक दफ़ा दोबारा से वहाँ पे कॉल करवा देते हैं। हमारा डाटा किस में गेट हो रहा है, गेट यूजर डाटा में, ठीक है। तो जब डिलीट हो जाए उसके बाद क्या करो, गेट यूजर डाटा को एक दफा से दोबारा से चला दो, ठीक है। तो अब जाते हैं दोबारा से, अगर मैं रिजवान को डिलीट करता हूँ तो डिलीट के बाद ये देखिए मेरे पास रिजवान भी उसी टाइम डिलीट हो गया, मुझे पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये थी हमारी डिलीट का मेथड बैकएंड प्लस फ्रंट एंड। अब किसी को कोई मसला है तो पूछें। अगर क्लियर है सबको तो स्टार्ट कर दें करना, सब डिलीट की एपीआई लिखें और उसको पोस्टमैन पे टेस्ट करके फ्रंट एंड से डिलीट करवाएं। हाँ जी,